हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा वो पांच टॉप के रूल्स जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, शेयर्स को कब सेल करना है टू इंक्रीज योर प्रॉफिट। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि आप बाइंग लो लेवल पे बाइंग्स तो कर लेते हो, लेकिन शेयर को अगर टाइम पे सेल नहीं करते तो आपके प्रॉफिट में कमी आ जाती है या फिर लॉस भी हो सकता है। तो उन चीज़ों पे आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, जो है अब वो स्ट्रेंथ कम होने लग गया है स्टॉक में, अब अगर मुझे निकलना है तो या तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, या फिर अगर आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने और टाइम पर अच्छा प्रॉफिट चाहते हो, तो उस टाइम पर लोग क्या कहते हैं, अगर टाइम पे वो निकले नहीं शेयर से तो वहाँ पे प्रॉफिट में कमी आ जाती है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए 5 रूल सेट किए गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन 5 रूल्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अभी देखिए, ये 5 रूल्स अगर आप देखोगे प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, तो देखिए अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स, जैसे पहला रूल है न्यू हाई ऑन लो वॉल्यूम। आप न्यू हाई ऑन लो वॉल्यूम का मतलब आप समझिए ज़रा। न्यू हाई ऑन लो वॉल्यूम का मतलब है कि जैसे कुछ स्टॉक हाई जो उनका है, सपोज मान के चलिए 1000 रुपीज़ का हाई है, अब वो नया हाई तो उन्होंने बनाया, मतलब जो 1000 रुपीज़ उन्होंने क्रॉस कर दिया, 1050 का हाई नया बनाया, लेकिन जो वॉल्यूम वहाँ पर देखा गया कि भाई इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम नहीं था, बहुत थोड़ा बहुत वॉल्यूम था, हाई उसने बनाता गया। और एक ये है कि वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं देखती, मतलब प्राइस मूवमेंट से, प्राइस एक्शन से, प्राइस गेन से काफ़ी कुछ बयां हो जाता है वहाँ पे। आपको उस वॉल्यूम से आपको वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखी अगर, तो इट मींस कि हाँ उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ऑल्दो नया हाई बना दिया तो स्टॉक में नीचे भी गिरने के चांसेस हैं, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत बढ़िया टाइम है, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, प्रॉफिट बुक करके अपना जितना भी है मैक्सिमम कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए उसको। तो एक पहला रूल तो यह है कि अगर नया हाई जो बनता है वो कम वॉल्यूम पर बनता है तो वहाँ पे, क्योंकि अगर वहाँ बायर्स ज़्यादा नहीं होते और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं दिखते नया हाई बना के, तो वहाँ पे लोग निकलने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, और जनरल मेंटालिटी होती है जो भी लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो उस टाइम पे बहुत सारे लोग निकलते हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट स्टॉक के प्राइस में डाउन टर्न भी आ सकता है। अगला रूल है रूल नंबर 2, क्लोजिंग नियर डेज लो। मतलब अगर आप देखें, आज सपोज आज शेयर का प्राइस का नॉर्मली 100 था कल का, और आज के दिन में ट्रेडिंग चल रही है और वो गिर के 90 तक पहुंचा, मतलब आज के दिन का पूरा जो लो था वो 90 रुपीज़ था और 90 रुपीज़ के अराउंड ही वो क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब पूरे दिन जो स्टॉक में है स्ट्रेंथ नहीं रही, थोड़ा कमी आ गई। ऑल्दो वो कई दिन से हाई पे जा रहा था लेकिन अब उसमें कमी देखने को मिली है। तो ये देखिए, ये अगर आप देखें और लगातार वो मतलब अपने लो पे क्लोज हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें इंडिकेशन दे रहा है कि भाई हम निकल लेना चाहिए, इसका पीक आ चुका है, अब ये धीरे धीरे करके लगातार 2-3 दिन से बिल्कुल डेज के लो पे क्लोज हो रहा है। तो ये रूल नंबर 2 है जिसका ध्यान रखते हैं और यहाँ पे भी आप प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं अपना। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ, जो है 200 डे मूविंग एवरेज लाइन। बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, कहते हैं स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज लाइन से नीचे गिर गया, भैया काफ़ी और शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा मानना होता है लोगों का 200 डे मूविंग एवरेज, बहुत लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर स्टॉक 70 से 100% ऊपर है 200 डे मूविंग एवरेज से, तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कि भाई अब एग्जिट कर लेना चाहिए, बहुत ऊपर आ गया है, इसकी इतनी वैल्यू है नहीं, ये 200 डे जो मूविंग एवरेज है उससे काफ़ी ऊपर है, अब ये जब नीचे जाएगा 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाएगा तो वहाँ पे बाइंग करेंगे, दोबारा भी निकल लेते हैं, अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेते हैं। तो ये भी मानना है लोगों का, ये भी रूल चलता है, रूल नंबर 3। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर, जो है इंक्रीज इन कंसेक्यूटिव डाउन डेज। मतलब कि जो सपोज कीजिए एक स्टॉक है लगातार 4-5 दिन से बढ़ रहा था, अब वहाँ से उसने गिरावट स्टार्ट करी और 3-4 दिन से लगातार गिरने लग गया और लगातार वो गिरे जा रहा है, मतलब कि 2-3 दिन तो चलिए ठीक है आप मान सकते हो, लेकिन 4-5 दिन लगातार गिरे जा रहा है, तो इसका मतलब कि भैया 4-5 दिन गिरा और फिर आगे 2-3 दिन और गिर गया, तो इसका मतलब कि कंजिक्यूटिव जो डाउन डेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब स्टॉक में गिरावट आ चुकी है और वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि भाई जितना प्रॉफिट है तब बुक कर लो, वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाओगे वहाँ पे आप, अगर वो और नीचे गिरता है तो आपका प्रॉफिट और कम हो जाएगा और लॉस के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ये है रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 जो हमारा है वो है पुअर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI वैल्यू जिसको कहा जाता है। तो अगर आप देखोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर कमज़ोर हो रहा है धीरे धीरे करके,
आप आरएसए जो वैल्यू होती है वो 30 से 70 की रेंज, 30 से डाउन कहते हैं कि ओवरसोल्ड पोजीशन, और 70 से ऊपर कहते हैं ओवरबॉट पोजीशन। स्टॉक 30 से नीचे कहीं तक भी रह सकता है, 70 से ऊपर भी रह सकता है जब ज़्यादा बायर्स इंटरेस्टेड हो। लेकिन एक बार स्टॉक जो 70 के लेवल को टच करके, 70-80 के लेवल को टच करके जब नीचे गिरने लगता है, 70 से नीचे आने लगता है, तो कहते हैं कि भाई आरएसआई जो है वो नीचे कमज़ोर होने लग गया है, तो मतलब आप निकल लो, अपना प्रॉफिट अपने अगर बुक कर लिया तो निकल लो जब वो नीचे को आने लगता है। तो ये एक बहुत बढ़िया होता है प्रॉफिट बुक करने का तरीका। यहाँ पर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट आप इंक्रीज़ कर सकते हो, प्रॉफिट का अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करके। अदरवाइज़ वो नीचे डाउन आएगा, उसमें स्ट्रेंथ कम देखने को मिलेगी, तो वहाँ से आपका प्रॉफिट में कमी आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 रूल्स आपको समझ में आए होंगे, और ये रूल जो है मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं आपके प्रॉफिट को, क्योंकि शेयर खरीदना हर कोई जानता है, बेचना कब है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इन रूल्स को जब भी आप कोई भी शेयर अपना बेचो तो इन रूल को देखिए कि उसमें वीक कमी तो नहीं आ गई, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी तो नहीं आ गई, बायर्स जो है कमज़ोर तो नहीं पड़ गए। तो न्यू हाई ऑन लो वॉल्यूम पहला रूल, दूसरा रूल क्लोजिंग नियर डेज लो, तीसरा रूल 200 डे मूविंग एवरेज लाइन के अकॉर्डिंग है, चौथा रूल है इंक्रीज इन कंजिकेटिव डाउन डेज, लगातार जब गिर रहा है तो निकलना बेहतर, पुअर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई वैल्यू में कमी देखने को मिल रही है तो भाई निकलना ही बेहतर रहता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और इन रूल्स को फॉलो कीजिए जब भी आपको निकलने का मन हो, शेयर से प्रॉफिट बुक करने का मन हो। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।